कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 31 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। मैथ्स की वर्कशीट है। डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिखेंगे। जब आप लोग क्लास लिखेंगे तो क्लास के साथ अपना सेक्शन भी लिखेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चित्र पहले पढ़ने वाले हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियां हो गई। आपकी इन चार गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपको पेंसिल मिसिंग हो गई है, ये देखिए, है ना। इसके बाद बादल ठीक है, यहाँ सब ठीक है, लेकिन यहाँ की भी पेंसिल मिस है, ये देखिए। ठीक, अब हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे कि ये जो बच्चे हैं, यहाँ बच्चे की फ्रॉक पे स्माइली गायब है। ठीक है, पेंसिल भी ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ फ्लैग को देखिए, झंडे को, तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा झंडे का। इसके अलावा यहाँ से भी सारी पेंसिल गायब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको पेंसिल से पर्सनली दुश्मनी है, सब जगह से पेंसिल को ही हटा दिया है ना। खैर, अब आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ट्री है, लेकिन वो गायब है वो दूसरी वाली में, है ना। इसके अलावा यहाँ बिल्डिंग को देखिए, पेड़ को देखिए, ये सब नॉर्मल जैसा है, यहाँ तो कुछ चेंजेस नहीं है। अब हम देखते हैं आगे, तो देखिए यहाँ बुक के ऊपर अल्फ़ाबेट ए लिखा है, जबकि देखिए इधर वाली पे नहीं लिखा है ना। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ से पूरी एक बुक ही, किताब को ही गायब कर दिया गया है ना। तो आप इसे कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। आओ बुझाएगी ने, अमित अपनी चित्र पुस्तिका में चांद तारों का चित्र बना रहा था। अमित ने इस प्रकार का तारा बनाया और उसने अपनी बहन अंकिता से पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि इस तारे की आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अंकिता ने कहा, हाँ ये तो बहुत आसान है, इसमें सिर्फ 5 त्रिभुज हैं। अमित बोला, नहीं, इस आकृति में 8 त्रिभुज हैं। उसने कहा, उसने उन 8 त्रिभुजों को अलग अलग रंग से भरकर अंकिता को दिखाया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसने कहा 5 त्रिभुज है, तो उसने बता दिया कि भाई 5 ये हैं, ये अंकिता ने बताया। लेकिन जब उसके भाई ने कहा, अमित ने, कि नहीं इससे 5 से ज़्यादा है, तो उसने देखिए एक ये भी बताया कि ये भी एक त्रिभुज है, इधर से भी एक है और इधर से भी एक है। तो उसने कहा, नहीं यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको लिखा है, बच्चों अब आप भी नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की जो संख्या है उनको बताइए। तो देखिए आपको 1, 2 और 3, 3 तो ये आपको सामने सामने दिख गए होंगे कि मैम ये तो 3 सामने ही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो देखिए ये 1 हो गया, 4, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये ऐसे 1 हो जाएगा, 5, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये 1 पूरा हो जाएगा, 6। तो आप इसमें लिख देंगे कि इसमें 6 संख्या है। अब ऐसे देखिए 1, 2, 3, 4, 4 तो आपको ये सामने सामने दिख रहे हैं, 1 इसका टोटल हो जाएगा, ये देखिए 5, ठीक है। इसके अलावा आप क्या हो जाएगा, देखिए 5 तो ये हो ही गए, तो इसमें आप लिख देंगे कि भाई इसमें 5 हैं। अब इसमें देखिए तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 4 तो ये हो गए। इसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मैम 1 ये हो गया 5, 1 ऐसे ही ये वाला हो गया 6, ठीक है 6 ये हो गए। इसके बाद अब आप देखेंगे तो ये हो गया 1, 7 और ये हो गया 1, 8। तो कितने हो गए इसके अंदर, 8। तो इसमें 6 है, इसमें 5 और इसमें 8 है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट का हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।